दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं N160 पल्सर, देख सकते हो ब्लैक कलर में, ब्लैक ब्यूटी काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको डिटेलिंग में भी बताएंगे इसमें क्या क्या फ्यूचर हैं, नहीं फीचर्स हैं सॉरी। ये देख सकते हो पल्सर का लोगो 3D में भाई, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये आती है E20 के साथ, ओवरलुक देख सकते हो। अब बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स की, इसमें फ़ीचर्स क्या हैं। सबसे पहले भाई ख़ास चीज़ पे जाएंगे जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है, मीटर कंसोल। ये देख सकते हो भाई, ये बहुत ही प्यारा इसमें दिया हुआ है, देख सकते हो। ये स्टैंड का है, अगर स्टैंड लगा रहेगा हमारा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये बैटरी चेक लाइट है, इंजन चेक लाइट है, फ्यूल का है, फ्यूल कम जब कम हो जाएगा। ये लिमिटर है, RPM लिमिटर, ये है हमारा ABS, ये इंडिकेटर की लाइन है, यहाँ पर लाइट है, देख सकते हो ब्लिंक हो रही है। ये न्यूट्रल गियर, ये स्पीडोमीटर है, ये गियर है, अगर गियर हमारा जब जोन सी भी हमारा गियर में गाड़ी होगी, ये टाइम आ रहा है, ये यहाँ पे फ्यूल है, ये अपना RPM है। अब आपको दिखाते हैं नीचे, सामने से देख लो, ये दोनों मिलते हैं इसके DRL, जो कि काफ़ी बढ़िया लगते हैं, मतलब MT से तो अच्छे लगते हैं, या MT जैसे लगते हैं, MT से अच्छे भी नहीं लगते, पर इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है। मरघाट कार्बन फाइबर टचिंग तो नहीं है, पर काफ़ी डुअल टचिंग में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ABS की यहाँ पे स्टिचिंग मिल जाती है, और सोकर बहुत ही अच्छे हैं, मोटे मोटे जो स्पोर्टी लुक देते हैं, बस गोल्डन होते अप्स एंड डाउन तो बहुत अच्छे लगते। ABS डुअल चैनल, ये पहली ऐसी बाइक है अभी तक इस प्राइस में जो कि डुअल चैनल ABS है भाई, ना किसी में ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, नहीं तो किसी में नहीं मिलता आपको डुअल चैनल ABS। टायर का साइज सबसे पहले देखेंगे कौन सी कंपनी का टायर इसमें है, ट्यूबलेस टायर है। इसमें 110 80 17 का है, कौन सी कंपनी का है कंपनी नहीं दिख रही भाई। दोस्तों कंपनी का तो इसमें पता ही नहीं चल रहा कौन सी कंपनी का है, पर टायर काफ़ी अच्छा है, आप ग्रिप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा टायर है। टैंक देख सकते हो, काफ़ी बहुत बड़ा सा टैंक है, जो कि आपको इंटरेस्टिंग चीज़ तो बताना भूल गया दोस्तों, ये देख रहे हो USB फ़ोन डाउन होता है अपना, यहाँ पे फ़ोन चार्ज कर सकते हो। हैंडलिंग काफ़ी प्यारी है, सिंगल पाइप की एक हैंडलिंग है, काफ़ी प्यारी हैंडलिंग है। और अगर आप सामने से रियलिटी में देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा लुक प्राइवेट करती है। ये इसका हॉर्न है, हॉर्न काफ़ी अच्छा है। ये आपके टर्न इंडिकेटर हो गए, ये आपके ये आपके होंगे हो हाई बीम लो बीम, ये आपके पास लाइट जो कि LED में काफ़ी बढ़िया, स्प्लिट सीट में आती है इसमें, देख सकते हो NS160। ग्रैब रेल काफ़ी अच्छे हैं, LED में बैक लाइट आती है, और ये चीज़ इसकी लोहे की है तो काफ़ी अच्छी है, मजबूत है। ये चीज़ इसकी प्लास्टिक है, इंडिकेटर बल्ब में ही है, पर ये अगर हम ऐसे करेंगे तो टूट जाएंगे, मजबूत इतने नहीं है। सारी गार्ड मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा है, मजबूत है। टायर अगर काफ़ी मजबूत है, अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया डुअल डिस्क में आती है, तो इसका टायर साइज है 130 टायर। दोस्तों इसकी कंपनी का नहीं पता चल रहा मुझे, पता नहीं क्यों घूम शुदा नाम है। ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी मुझे, ग्रिप बहुत पसंद आई। यहाँ से हम अपना देख सकते हैं फ्यूल डिस्क ब्रेक का, ये 160 का एक इंजन है भाई, इसमें किक नहीं मिलती दोस्तों, बिना किक के आई है, पर इसकी जो क्लच है काफ़ी स्मूथ है। तो एक काफ़ी बड़ी सी डिस्प्लेट और ABS की, ये हमारे ABS सेंसर की एक बोल सकते हैं, ये कैलिपर है हमारा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, देख सकते हो काफ़ी